क्या आपको पता है 2017 में जब भारत ने बुलेट ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया था, हमें देखकर इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की चाइना को कि हमारे देश में भी आप बुलेट ट्रेन दौड़ाइए बनाइए। लेकिन पाकिस्तान की ये बात सुनकर खुद चाइना भी हंसने लग गया और इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। कट शॉट 2024 में अब जहां भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी कर रहा है, तो ये देखकर अब पाकिस्तान भी सोच रहा है कि हम भी अब फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान को खरीदेंगे। इसके लिए ये गया चाइना के पास, चाइना के FC-31 गैर फाल्कन फाइटर जेट्स मांगने के लिए। ये देखकर ही पूरी दुनिया ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली, क्योंकि करेंटली खुद चाइना का ये FC-31 प्रोग्राम अंडर डेवलपमेंट की स्टेज में है। तो पाकिस्तान अब चला गया टर्की के पास, जो कि अपना इंडिजिनस खान फाइटर प्रोग्राम के तहत फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं। सो पाकिस्तान गया अब टर्की के पास, उनको कहने लगा कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं और साथ में इस फाइटर जेट को डेवलप करेंगे, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज और फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। अब ये सुनकर तो ऑफकोर्स टर्की को तो हंसना ही था, टर्की हंस पड़ा, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी पाकिस्तान में डेवलपमेंट का ही इतना ज्यादा बर्डन है, तो कहां से ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। बात रही टेक्नोलॉजी की, तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही पीछे है। एडिशनली टर्की चाहता है कि ये अपना खुद का इंजन भी डेवलप करें, तो काफी क्रूशियल होगा इनके एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन करंट सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स की वजह से टर्की का करंटली ये प्रोग्राम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। वेल, आपको जानकर शॉकिंग लगेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इनफैक्ट खुद अटेम्प्ट भी किया अपना इंडिजिनस खुद का फिफ्थ जनरेशन लेटेस्ट फाइटर जेट बनाने का, जिसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था अजाम, बट फिर इसे कचरे में डाल दिया क्योंकि लैक ऑफ एक्सपर्टीज और कंट्री के पास पैसे ही नहीं है। आटा दाल का भाव आसमान छू चुका है, तो कहां से ये अफोर्ड कर पाएंगे फाइटर जेट। ख्वाब इनके इतने बड़े कि ये इंडियन एयरफोर्स को हराना चाहते हैं फाइटर जेट्स के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में भी, और इन्होंने टारगेट भी इनफैक्ट सेट किया है कि 25 साल बाद हम हमारे सारे फाइटर जेट्स को फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना देंगे। अब पता नहीं ये बुक ऑफ विशेस कौन लिखता है। वेल, इस केस में भारत की बात करें तो हमारी DRDO की टीम कड़ी मशक्कत में लगी हुई है फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट एम का डिजाइन करने के लिए। 15,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि 2030-35 तक ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा, और एक बार ये फाइटर जेट बन जाने के बाद 126 एम का फाइटर जेट्स, जो कि ट्रूली फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, इनको पकड़ पाना रडार में इम्पॉसिबल होगा। सो इसमें लंबा टाइम है, लेकिन 4.5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तेजस मार्क 2, जो कि सबसे ज्यादा घातक होंगे, राफेल की टक्कर में होंगे। और होपफुली जिस तरह से अमेरिका, रशिया दुनिया में आज के समय में भर भर कर अपने फाइटर जेट्स को बेच रहे, जल्दी अब समय आने वाला है भारत का भी, जब हम भी खुद का हमारा फाइटर जेट्स 4th, 4.5, 5th जनरेशन के बनाकर दुनिया के कई सारे देशों को काफी अफोर्डेबल दाम में बेचेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो अब भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा।